तो जिस जिस का हम डर था कि वाटर क्रॉसिंग लेवल बढ़ ना जाए, ये वो वाटर क्रॉसिंग था जिसका लेवल और बढ़ेगा दिन टाइम जैसे बढ़ेगा। तो आगे का सफ़र पेंगोंग लेक की तरफ, अब कोई वाटर क्रॉसिंग इतना बड़ा आएगा नहीं पेंगोंग लेक तक। अब उसके आगे पता नहीं मनाली तक कैसा क्या रहता है रूट, वो अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा। 1:40 हो गया है, जोरों की भूख लगा है, तो आगे कुछ देखते हैं, कहीं रेस्टोरेंट मिलता है तो। ओ फिर से वाटर क्रॉसिंग, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है बस। तो वाटर क्रॉसिंग करने के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके हुए और सबका जूता सूख रहे, बोले को बुलेट करना पड़ता है, ये सीमा बड़ी चालू है। ठीक है, ये हमारे फ्रांस के फ्रांस आए हुए इंडिया के मेहमान, और ये हमारे फ्रांस के लैंग्वेज सीख रहे हैं बुलेट भाई। ओनली 1 लीटर पेट्रोल दिस बाइक। तो बहुत देर रुक गया यहाँ पर, 1 घंटे के आसपास लंच टाइप का ब्रेकफास्ट कर लिया, एक तरफ से लंच ही हो गया। हाँ चलते हैं अभी डायरेक्ट पेंगोंग लेक की तरफ। और यहाँ पर खाई है, सामने पहाड़ आ रहा अंधा मोड़। यहाँ से 60-65 किलोमीटर पेंगोंग लेक बचा है, जो कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा हम लोग को, 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। तो आज पेंगोंग लेक में स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे, और कल निकलेंगे मनाली के लिए। यहाँ जो लेक है, मतलब ले है यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे, और ये काम चल रहा है रोड पे कंटिन्यू। तो अब ये राइट साइड जाओगे तो आप लेक की तरफ बढ़ोगे, और यहाँ हमको जाना है पेंगोंग लेक की तरफ लेफ्ट में। यहाँ से अभी भी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है मीटर पे, देखते कितने बजे पहुँचते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए एक नंबर है, कहीं भी लगा दो आप। नहीं, लेक के सामने ही करेंगे। ओहो फैमिली है, देखो बढ़िया मस्त बच्चे लोग खेल रहे। और रास्ते अभी जो है शानदार हो चुका है, जो ऑफ रोडिंग वाला पैच है खत्म हो चुका है, और यहाँ से अभी तक अभी भी 40 किलोमीटर बचा है पेंगोंग लेक। और बीस से मत आना, साइड से आओ, साइड से आओ।
शहर से आओ, साइड से आओ। खींचो खींचो आपको, खींचो खींचो। नहीं नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तो डर रहा हूँ। आप तो आपको फॉलो करूँगा मैं उधर वहाँ पे। वो आपको दूर से दिख रहा होगा नीला कलर का पानी, वो है पेंगोंग लेक। अपने यहाँ से अभी नीचे उतरेंगे, 5-6 किलोमीटर बचा है, चल के आगे देखते हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड में पेंगोंग लेक दिख रहा है और शायद आगे तक जाना है हमको, कैंपिंग करने या टेंट या कैंपिंग आगे है। तो देखिए कितना ब्लू वाटर है, पूरा ब्लू दिख रहा है, पूरा ब्लू, और ऊपर ग्लेशियर्स दिख रहा है। तो ये है पेंगोंग लेक जो कि डिस्किट से 140 किलोमीटर की दूरी में है। और देखो 3 इडियट्स का दिख रहा है। तो गाइस हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जो आपका 3 इडियट्स का शूटिंग हुआ था, आपको दिखाता हूं मैं। ये जो आप देख रहे हो ये सीटिंग एरिया, और ये स्कूटर्स रखे हुए हैं, काफ़ी सारे स्कूटर रखे हुए, तो डेमो टाइप से रखा हुआ है। टाइप का स्कूटर में शूटिंग हुआ था ये, और ये लिखा हुआ 3 इडियट्स सीट्स ऑल इज वेल, ये रखा हुआ सीट, लेकिन 3 जन का जो है चार्ज है 100 रुपीज चार्ज है 3 सीट का। बैठ के फोटो खिंचाते हैं पहली बार। बुलेट सिंह का बुलेट यहाँ खड़ा है। सर आपका बुलेट यहाँ खड़ा है? यस, हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं बुलेट कि लोगों को याद दिलाए हमारी। ओके, तो देखो शानदार नजारा, यहाँ पूरा ब्लू है पानी। ये जो आप लेक का पानी देख सकते हो कितना क्लियर है, ये देखो क्रिस्टल क्लियर है एकदम, ब्लू वाटर है पूरा, दूर तक ब्लू ब्लू दिख रहा है। और विवेक भैया को देखो यहाँ पर ठंडा है, तो बर्फ का ही पानी है लगता नहीं।
तो ये वो जगह है जहाँ पर 3 इडियट्स पिक्चर का शूटिंग हुआ था। थोड़ा बहुत ड्रोन शॉट लिया हूँ, आप देखिए, क्योंकि यहाँ आर्मी एरिया है तो ड्रोन जल्दी उतारना पड़ा, अलाउ नहीं है। तो आगे चलते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे कैंपिंग एरिया है, तो चलते हैं। तो आखिरकार हमारे कैंप की व्यवस्था हो चुकी है जगह की, और देखो कितना मेहनत चल रहा है। ये टेंट को उड़ा के तो नहीं ले जाएगा पैंगोंग लेक में? हाँ वो पार, उस पार चाइना है, पाकिस्तान चाइना। कैंपिंग स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अभी चाय बना के पी चुके हैं। अब बुलेट भाई ने बना के दिया फाइनली, मतलब जो ड्रीम था हमारा कि पैंगोंग लेक। हाँ पैंगोंग लेक, ये देखो सामने जो दिख रहा है ये पैंगोंग लेक है, और उसके जस्ट बगल में हमारा कैंपिंग, मैं दिखाता हूँ हमारा कैंपिंग का प्लेस है। आप देख सकते हैं तीनों लगा और बाइक खड़ा है साथ में, और पैंगोंग लेक पीछे, जस्ट पीछे मेरे आगे पैंगोंग लेक है। तो सुबह का नज़ारा जबरदस्त रहेगा, नाइट कैंपिंग करते हैं, उसके बाद सुबह मिलते हैं आपसे।